Welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach you the at our home, class 3, social study, chapter 1. The at is our home. Earth, पृथ्वी, हमारा घर. पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां हर एक प्राणी, पशु पक्षी, जल स्थल सब भरपूर है. द होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव. द होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव. घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं. हमारा जैसे घर है, पशु पक्षियों का ऐसा ही घर है. वी लिव ऑन द अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर. देयरफॉर द अर्थ इज आवर होम. Therefore, the earth is our home. It is a very, very big home. It is a very, very big home. सबका घर छोटा बड़ा होता है, परंतु सबका घर कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ऊपर. हर जीव जंतु, पहाड़, जंगल सारे पृथ्वी के ऊपर रहते हैं. It is the home of all men and women. It is the home of all birds and animals. हर एक मनुष्य का घर है पृथ्वी. हर एक जीव जंतु का घर है पृथ्वी. It is the home of all living things. It is the home of all living things. क्योंकि non living things को घर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही पड़े रहते हैं. Then all living things का घर है कहाँ? पृथ्वी. Let's learn a little about दिस होम. इस घर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. जो हमारा घर है, पृथ्वी हमारा घर है. शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. अर्थ का साइज कैसा है, शेप कैसा है, वो दिखने में कैसा है. क्योंकि हम तो अर्थ में रहते हैं ना, हम अर्थ को पूरी तरह एक आंख में एक तरह देख नहीं सकते. द अर्थ इज लाइक ए ह्यूज बॉल. बॉल कैसा होता है? राउंड, गोल बॉल. आप सब लोग ने देखा होगा, टेनिस बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, सारे बॉल और मार्बल्स ये सब गोल होते हैं, राउंड. तो हमारी पृथ्वी भी उस बॉल की तरह गोल है. द अर्थ इज लाइक ए ह्यूज बॉल. टू गो राउंड इट वंस we have to travel about 40,000 kilometers. To go round it once. अगर हम एक बार पृथ्वी को घूम ले तो हम कितने दूर जाएंगे? 40,000 kilometers. 40,000 किलोमीटर तक चले जाएंगे. तो हमारा पृथ्वी तो दिखने में गोल है, बॉल की तरह. few hundred years ago, सालों साल पुरानी बात है, बहुत साल पहले, people believed that the earth was flat. The earth was flat. लोग सोचते थे कि earth flat है. जैसे ये duster, ये flat है, ऐसे सोचते थे कि earth ऐसे flat है. They feared, वो डर जाते थे. अर्थ के लोग डर जाते थे that if they went too far, they would reach the edge of the earth. अगर वहाँ अर्थ के लोग यहाँ से जाएं, तो दूर जाने से वो एज तक पहुँच जाएंगे. ये एक डॉक्टर है, उसका एजेस, ये है उसका एजेस. ये एक एज है, ये एक एज है, ये सब एजेस हैं. Then they feared that if they went too far, they would reach the edge of earth. अगर वो यहाँ से जाए तो उसके एज तक पहुँच जाएंगे. And they could fall off. जाने से वो गिर जाएंगे. Fall off the edge and be lost forever. वो गिर जाएंगे. अर्थ के लोगों का सोचना था कि अर्थ फ्लैट है, पर अर्थ फ्लैट नहीं है, वो राउंड है. तो कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है?
बताया होगा ना। इन 1519 1519 में ए ब्रेव मैन ऑफ पुर्तगाल सेल्ड राउंड द वर्ल्ड। पुर्तगाल ए ब्रेव मैन ऑफ पुर्तगाल सेल्ड राउंड द वर्ल्ड। पुर्तगाल एक कंट्री है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना जैसे कंट्री है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है पुर्तगाल। तो एक ब्रेव मैन, एक साहसी इंसान 1519 को चल पड़ा सेल करने। जो शिप बोट को चलाते हैं उसे सेलर बोलते हैं। वो एक नाविक था, वो पृथ्वी की सैर करने चल पड़ा। हिज नेम वाज मैगलन। पुर्तगाल मैन वाज नेम्ड मैगलन। ही टूक सम शिप्स एंड सेलर्स विथ हिम। उसने अपने साथ कुछ शिप्स ले गया और शिप को चलाने के लिए सेलर्स, जो जैसे ड्राइवर बोलते हैं गाड़ी चलाता है, वैसे ही शिप को चलाने वाले को सेलर बोलते हैं। तो उसने क्या किया, अपने साथ कुछ शिप्स एंड कुछ सेलर्स को अपने साथ ले गया। एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम अपनी जर्नी, जाने की शुरुआत उसने पानी में किया था। शिप तो पानी में जाता है। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन एंड केप्ट सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में वो जाने लगा। उसने क्या किया, स्पेन से अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की। केप सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सिर्फ एक ही दिशा में वो जाने लगा। आफ्टर थ्री इयर्स, तीन सालों के बाद, हिज शिप्स रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। आफ्टर थ्री इयर्स हिज शिप्स रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। तीन सालों के बाद उसने अपनी जर्नी, या फिर यात्रा बोल लीजिए, उसने अपनी जर्नी जहाँ से शुरू की थी फिर से घूम फिर कर वहीं आ गए। पिक्चर में देखिए, स्पेन जो एरो मार्क दिया गया है, यूरोप, स्पेन यूरोप में है, वो निकलता है यूरोप से। देन साउथ अफ्रीका के पास ऐसे घूम जाता है, उसके बाद पैसिफिक ओशन, और यहाँ तो हमारा अर्थ राउंड है ना, सर्कल की तरह गोल गोल, इसलिए राइट हैंड साइड में देखिए पैसिफिक ओशन। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर इंडियन ओशन, देन अफ्रीका होकर उसने फिर से स्पेन में आ जाता है। इतना घूमने के लिए उसे कितना समय लगा, थ्री इयर्स टाइम लगा। देन उसने सोचा, तो मैं तो जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी घूमकर तीन साल बाद वहीं आ गया, इसका मतलब ये हम जो अर्थ पर रहते हैं, दस इट वॉज प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। मैं घूमकर आ गया, इसका मतलब हम जो अर्थ पर रहते हैं वो फ्लैट नहीं है, ऐसे फ्लैट नहीं है, वो क्या है, राउंड है। जैसे ये चौक देखिए, चौक अगर यहाँ से कोई आता है तो इधर इधर घूमकर फिर से वही आ जाता है, उसी तरह ये चौक जैसे राउंड राउंड है, हमारी अर्थ भी ऐसा ही है। यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे फिर से घूम फिर कर यही आ जाता है। द अर्थ सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा, हमारे अर्थ का ऊपरी हिस्सा कैसा है, ऊपर का हिस्सा कैसा है। द सरफेस ऑफ अर्थ
is not the same everywhere. The surface of the earth is not the same everywhere. हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हर जगह समान नहीं है. There are rocks, hills, valleys, mountains, plains, rivers, lakes, oceans, forests, deserts and many other such forms. हमारे अर्थ के सरफेस, सरफेस मतलब जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं, ऊपर जो घर बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उस ऊपरी हिस्से में क्या क्या है. पृथ्वी इतना बड़ा है. There are rocks, पत्थर, बड़े बड़े चट्टान. Hills, पहाड़. Valley, वैली किसे बोलते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बीच में जो खड्डा बन जाता है बड़ा सा. माउंटेन्स, पर्वत. प्लेन्स, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, फसलें लगाते हैं. रिवर्स, नदी. लेक्स, ओशन, समंदर. और लेक भी समंदर के जैसा उसके साथ मिला हुआ है. फॉरेस्ट, जंगल. डेजर्ट्स एंड मैनी अदर सच फॉर्म्स ऑन इट. इस बड़े से धरती में, पृथ्वी में इतने सारे पार्ट्स हैं. द सरफेस ऑफ द एयर इंटू टू मेन पार्ट्स. द सरफेस ऑफ द एयर इंटू टू पार्ट्स. हमारे अर्थ के सरफेस को दो हिस्से में बांटा गया है. डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर. ओनली अबाउट 30% ऑफ द एयर सरफेस इज लैंड. ओनली अबाउट 30% ऑफ लैंड एयर सरफेस इज लैंड. द रिमेनिंग 70% इज कवर्ड विथ वाटर. द रिमेनिंग 70% कवर्ड विथ वाटर. हमारे अर्थ के 30% 30% सिर्फ लैंड है और 70% पानी है. और वो पानी कौन सा पानी है? सी एंड ओशंस वाटर. समंदर का पानी है, महासागर एंड सागर का पानी है, जो सॉल्टी वाटर कहते हैं ना उसे. और हम जो पानी पीते हैं वो ग्राउंड वाटर है. जो 30% लैंड है ना उसे हम खोद कर वही पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर. तो हमारा पृथ्वी जो है उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? जलीय ग्रह, पानी वाला ग्रह, क्योंकि उसका ज़्यादा हिस्सा पानी है. इसलिए उसका रंग भी नीला और नीला है और थोड़ा थोड़ा ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का है हमारा अर्थ. देन द होरिजन. व्हाट डू यू मीन बाय होरिजन? होरिजन क्या है? इफ यू लुक अबव योर हेड, इफ यू लुक अबव योर हेड यू विल सी द स्काई कर्विंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. इफ यू लुक अबव द अर्थ, अगर हम ऊपर ऐसे देखें, हमारे सिर के ऊपर देखें, यू विल सी द स्काई कर्विंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. देखो एक लड़का क्या कर रहा है, बिल्डिंग के ऊपर बैठ गया है और आसमान को देख रहा है. जैसे लग रहा है कि आसमान पृथ्वी की ओर ऐसे मुड़ गया है. इफ यू स्टैंड एट ए हाई प्लेस, इफ यू स्टैंड एट ए हाई प्लेस और ऑन द सी, सी शोर. अगर हम कोई ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं या फिर समंदर के किनारे खड़े हैं, इफ यू स्टैंड एट ए हाई प्लेस और ऑन द सी, और ऑन द शोर ऑफ द सी, समंदर के किनारे बैठे हैं या फिर एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, यू विल सी द स्काई मीटिंग द अर्थ इन द फार डिस्टेंस. यू विल सी द स्काई मीटिंग द अर्थ इन द फार डिस्टेंस. अब क्या देखेंगे कि दूर से आसमान धरती, धरती आसमान मिल रहे हैं और मिल चुके हैं, जैसे लग चुके हैं, ऐसे दिख रहा होगा. बट इनफैक्ट
दिख रहा है, हमें दिखता है, उसी जगह को हम हॉरिजन बोलते हैं।